बात हमारे पे आ रही है। हाँ तो कॉल करो, बात करो। काय के लिए बोली है? अबे क्या नचाया मैंने? ये हाईफाई है? चुका है मेरे सभी काम, मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, नहा धो चुकी हूँ और ये देखिए सारे कपड़े उपड़े सब वॉश हो चुके हैं। देखिए सारे कपड़े उपड़े वॉश कर दिए, आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मेरा पूरा घर क्लीन हो गया है, किचन विचन सब पूरा घर, भगवान जी को भी नहला धुला दिया है और पूजा हो चुकी है। जय भोले बाबा। और ये देखिए टाइम पूरा करेक्ट, बस 5 मिनट का 12 बजने वाले हैं। अब मैं जा रही हूँ आदवी को लेने के लिए। अम्ब्रेला अच्छी लग रहा है ना? आदवी के लिए लेके आई थी क्योंकि बहुत देर धूप होने लगी है और सारे बच्चे लेके आते हैं तो उसको भी बहुत खुशी होती है कि मैं भी अम्ब्रेला लेके जाऊँगा। तेज धूप होने लगी है। पहुँच चुकी हूँ मैं आदवी के स्कूल के पास। ये देखिए ये सामने स्कूल है आदवी का। टाइम से आ गई हूँ मैं। आदविक आ चुका है। मैं आ गई हूँ आदविक को लेके और आदविक मेरे पीछे पीछे पता नहीं कहाँ है, ये शैतानी करने में लगा हुआ है ये रहा। और गर्मी की वजह से हो गए हैं बहुत ज्यादा परेशान। चलो आ जाओ बेटा। मैम से क्या बात करोगे? क्या बात करनी है आपको मैम से? क्यों रो रहे हो मुझे बताओ? अरे तो मैंने अंकल जी से इसलिए बोला क्योंकि आप भाग रहे हो, इतनी तेज धूप हो रही है। आप मुझे बता तो दो क्या क्या कहना है आपको मैम से? सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं और आदवी यहाँ खड़े होकर बस रो रहा है। चलो कम ऑन जल्दी से अपने घर चलते हैं, बहुत तेज गर्मी हो रही है ना, धूप भी लग रही है। हाँ यहाँ तो हवा चलने लगी है ठंडी ठंडी सी। ये देखिए सारे प्लांट उड़ रहे हैं ना। आदवी को स्कूल से घर जाने का मन नहीं होता है, बार बार कह रहा है मैम से मुझे बात करने जाना, पता नहीं क्या बात करना, बस बाय करना है। पर थोड़ी सी छांव मिल जाती है और आगे तो बिल्कुल धूप ही धूप है। ये देखिए आज आदविक बताएगा कि हमारा फ्लैट कौन सा है, हमारा टावर कौन सा है। ओके ठीक है, कम ऑन जल्दी जल्दी चलो और आराम से, थोड़ा सा स्लो भी चलना है, भागना नहीं है ठीक है। प्लांट में पानी डाल रहे हैं? हाँ मुझे बताओ, आपको पता तो होना चाहिए ना कि हमारा टावर किधर है। नहीं किसी दिन आप जैसे कि गुम हो जाओ तो कैसे घर पहुँचोगे, उधर नहीं जाना। आदविक ने एकदम सही सही बता दिया है हमारा टावर कौन सा है। गुड, बच्चों को ये सब पता होना चाहिए क्योंकि कभी बाई चांस जैसे खेलने आते हैं हम अट गए या चुक गए इधर उधर चले गए तो अपने टावर पर पहुंच जाए। ऐसे तो माँ ऐसे नहीं करती हैं कि बच्चों को छोड़ दें। अब बहुत ही थक भी गई हूँ मैं। ओ माई गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू आदविक, आपने मुझको बता दिया, थैंक यू सो मच। अंकल जी नाराज हो रहे हैं। आप क्यों करोगे कंप्लेंट? क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों करोगे? ऊपर से मेरे से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें काम नहीं करना, साफ मैं कर दो नहीं करूँगा। चले ये गुड बाय। अंकल जी गुस्सा हो रहे हैं, कोई स्टाफ ऐसे जा रहा था बिना बता के, इसलिए अंकल जी उनको गुस्सा कर रहे हैं कि बिना बताए नहीं जाते हैं, बता कर जाओ जहाँ भी जाना है अपनी मैडम से बात करके। वो कोई मीट होगी काम करने वाली, इसलिए उनको मना कर रहे हैं। ये देखिए आदवी का गुड मैनर्स, आते ही हैंड वॉश करने लगा अपने, क्योंकि हमारे हैंड्स में बहुत सारे जम्स होते हैं ना। हाँ तो इसीलिए हमें पहले अपने हैंड वॉश करना चाहिए, एकदम क्लीन हैंड। टीम में गार्ड का होने का यही फ़ायदा होता है, जैसे कि अभी नीचे आपने देखा वो कोई मेड होंगी जो बिना बताए जा रही थी अपनी, मतलब जहाँ काम करती होंगी उनको, उन्होंने रोक लिया कि नहीं पहले बताओ नहीं तो कंप्लेन कर दूँगा, इसी वजह से बहस हो रही थी उन लोगों के अंदर। तो ये सारी सुविधाएँ होती हैं और बहुत अच्छी बात है, ऐसे सब कुछ होना भी चाहिए, इसीलिए हम लोग भी टेंशन फ्री रह सकते हैं। टॉयज के साथ खेलने लगा है। बताओ क्या कह रहे हो? ऐसे हाई फाई करना सिखाया मैम ने? ये हाई फाई है? हाँ। अच्छा ओके।
ओके अब ये जंप जंप जंप। आपके स्कूल में आज ऐसा बातें कर रहा था कि मम्मा खड़ी हो, मेरे को आपके साथ ये करना है। और मेरा बेटू आ चुका है स्कूल से। आज आपको स्कूल में कैसा लगा? अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छी। अच्छा, और आपने आज क्या क्या किया स्कूल में? पढ़ाई की थी मम्मा। तो बच्चे जब स्कूल जाते तो बहुत सारी टेंशन होती है कि उसको क्या खाने में दें, लंच में क्या दें, क्योंकि अभी छोटा है, कोई खाना भी नहीं दे सकते हो आप प्रॉपर। रोज खाना भी नहीं दे सकते हो क्योंकि इनका मूड ऑफ हो जाएगा। नहीं, मेरी मम्मा मुझको एक दिन स्कूल में कह रहा था, मेरी मम्मा मुझको अच्छा लंच नहीं देती क्योंकि इसको चाहिए मैगी, नूडल्स, पास्ता, है ना, रोज ये सारी चीजें चाहिए, पर रोज ये सारी चीजें खाने से स्टमक खराब हो जाता है। अच्छा नहीं होता है खराब, तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें देना चाहिए, पर कभी कभी देना चाहिए। तो बहुत सारी टेंशनें होती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाता तो टेंशन होती है, जाने लगता तो टेंशन होती है। माँ की लाइफ में टेंशन कभी नहीं खत्म हो सकती है। तो अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए